इन 1996 एक राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा विनर भी रह चुके हैं मैम। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं ले लूंगा और मैम को बोलूंगा, मैम आप अपने बारे में थोड़ा बताइए और आपकी जर्नी कैसा रहा, आपका जर्नी, एंड वेलकम, स्टेज इज योर्स। जरूर 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 मेहुल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी जी पक्का सुनाई दे रही है। हाँ हाँ सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है मेहुल, आपके साथ आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। गाने का काम तो हमेशा ही होता है, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज, है ना? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी मेहुल कि मेरे पिताजी को बहुत शौक था, उनके ही वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। संगीत का बहुत शौक था, शास्त्रीय संगीत का, और बांसुरी वादक थे पिताजी। अच्छा आवाज आवाज सुनाई दे रही है मेहुल? हेलो हेलो, हाँ हेलो, सुनाई दे रही है आवाज? हाँ यस अभी सुनाई दे रही है। ओके, माइक को थोड़ा सा दूर रख, माइक एक हल्का सा पास में एक है, दो शायद इंच इस दूर वजह रखे से माइक को। प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभी सुनाई दे रही है आवाज? हाँ यस यस ये बीच ओके में ओके नेटवर्क थोड़ा, प्लीज बेयर विथ अस बिकॉज ये हम ओके टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही या आधार है तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं बता रही थी कि पिताजी को शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक था, और उन्होंने ट्रांसफरेबल जॉब में थे, लेकिन जहां भी ट्रांसफर होके जाते थे हमेशा ये देखते थे कि हमारी शिक्षा ना रुके, तो कहीं प्रॉपर गुरु का पहले ही पोस्टिंग होने से पहले ही हमारे गुरु का वो देख लेते थे कि कहाँ पर सिखाने वाले हैं प्रॉपर। और इस तरीके से हम बचपन में सीखे, और कुछ बड़े फेस्टिवल्स जैसे कालिदास समारोह, नटराज उत्सव, ओंकारेश्वर, ऐसे बड़े बड़े स्टेज पर हमने परफॉर्म किया। बाद में म्यूजिक में शौक होने के कारण मैंने गांधर्व महाविद्यालय से विशारद किया हारमोनियम और वोकल में। देन देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, जहाँ यूनिवर्सिटी में मेरी टॉप रैंक रही। तो इस तरीके से एजुकेशन पूरा हुआ, और लास्ट 5 ईयर से यहाँ सोमया में हूँ मैं। तो हेलो, हेलो, आवाज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है बढ़िया मैम, सोया में मेरी। तो सिखा ही रहे हैं हाँ जी तो। हेलो हाँ आ रही, बीच बीच में या आया हेलो, या आया या आया। आवाज, हाँ तो हम आगे आगे बढ़ते हैं कि आप फैकल्टी मेंबर हैं और आप फाउंडिंग मेंबर भी हैं सोमया स्कूल की, या म्यूजिक स्कूल की। तो आप हमें बताइए कि आप तो बहुत सारे लोगों को सिखा ही रहे हैं और जो जो नॉलेज है वो पास ऑन कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत ही दिल बहुत ही उदार है। जानना है कि आपके गुरुओं के बारे में, बिकॉज ये म्यूजिक टैलेंट के साथ ये जो ह्यूमैनिटी भी आपको ब्लेसिंग्स जो दी है गुरुओं ने, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा बता देते हैं तो बढ़िया है। बहुत बहुत सही कहा, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं, तो गुरु का जिक्र किए बिना बात नहीं बनती है। तो मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब में होने के कारण मैंने कई गुरु मुझे चेंज करने पड़े बचपन में। जहाँ भी जाते थे वहाँ हमने कई गुरुओं से सीखा। बाद में जब मैं शादी होकर मुंबई आई, तो 1996 में, तो मैंने यहाँ पर डोंबिवली में श्री किरण फाटक सर से सीखा, उनसे कुछ 15 ईयर्स मैंने सीखा। अच्छा बाद में ठाणे में अपूर्वा गोखले जी हैं, उनसे मैंने मार्गदर्शन लिए हैं पिछले 2-3 सालों में।
और मुझे चूंकि सेमी में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए सेमी क्लासिकल म्यूजिक मैंने धनश्री पंडित राय मैम को सीखा है, जो बहुत बहुत ही अच्छा है उनका। और मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, सभी गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला और मिल रहा है। आज जो कुछ भी हूँ वो माता पिता की प्रेरणा और गुरुओं के आशीर्वाद से ही। जी 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 गुरु गुरु बिना गति नहीं, ये तो या हमने या। सुना ही है। बिल्कुल हम बिल्कुल गुरु के ही टॉपिक पे है, तो एक गुरु के गुरु का थोड़ा सुनाए दो आप, दो दो लाइन। जरूर जरूर जरूर। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ इतने सालों से, तो थोड़ा सा मराठी में आपको दो लाइन, एक सॉन्ग है अजित कड़कड़े जी का बहुत खूबसूरत, गुरुविण नाही दूसरा आधार, वो सुनाती हूँ। एकदम सच्ची लाइन है ये, और आपके आवाज से और म्यूजिक से पूरा माहौल बन गया है अभी, एकदम हाँ वाइब्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है म्यूजिक से, और करेक्ट ये करेक्ट आपने करेक्ट अनुभव किया मैंने अभी, जी। गूजबम्स आ रहे हैं सच बोलाऊं तो। अरे वाह अरे वाह बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आप सोमया स्कूल ऑफ म्यूजिक में जैसे बताया कि फैकल्टी मेंबर तो है ही, पर फाउंडर मेंबर भी है, जी तो हाँ अभी ये शुरुआत कैसे हुई ये सोमया कॉलेज की? बिकॉज मैं सोमया में था तभी, तो जी ये कुछ म्यूजिक का स्कूल नहीं था, तो ये जी बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है, तो हम मुझे बहुत ही दिलचस्पी है उसके बारे में जान। हाँ। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू हुआ कि श्री समीर सोमैया जी के दादाजी जो है थे, तेजे सोमैया जी, उनका ये ड्रीम था कि यहाँ पर इतने सब्जेक्ट के कॉलेजेस हैं तो यहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का भी एक इंस्टीट्यूट जरूर होना चाहिए। तो समीर भाई के दिल में ये बहुत सालों से बात थी कि शुरू करना है। इसकी शुरुआत हुई 2015 में, 21 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। उसी दिन 15 लोगों ने एनरोल किया और नेक्स्ट डे अरे 22 अप्रैल से फुल स्टार्ट हो गया। तो और बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस है, अभी कुछ 75+ स्टूडेंट हैं और बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। समीर भाई को सही बहुत है। बहुत तो थैंक्स करती हूँ कि ये शुरू किया उन्होंने। जी, ये थैंक्स मेरे तरफ से भी। मैं तो मतलब जी स्टूडेंट ही हूँ अभी, और कॉलेज के लिए हमेशा स्टूडेंट ही रहूंगा, तो बराबर मैंने इंजीनियरिंग सीखा यहाँ से, गंगराड़े सर, हम गंगराड़े सर ही बोलते हैं अजय सर को, तो उन्होंने भी कुछ हाँ सिखाया, तो उनको भी धन्य, हाँ और जी समीर सर को भी धन्यवाद है कि उन्होंने ये शुरू किया, ये बारे में जी सोचा, और आज बहुत ही अच्छे 75 लोग लोग सीख रहे हैं, और ये बराबर। कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, और अपनी जो संस्कृति है हाँ, उसको मेहुल हम एक चीज रिस्पेक्ट और करना बताऊंगी मैं। सिखाएंगे लोगों को, और हाँ, ये मेहुल बहुत एक ही चीज और बढ़िया। बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हाँ मैम, स्टूडेंट्स सोमैया के फैकल्टी मेंबर्स इवन प्रिंसिपल भी सीख रहे हैं, और आउटसाइडर पीपल के लिए भी हमारे स्कूल ओपन है।
कोई भी एडमिशन ले सकता है, 5 इयर्स से लेकर 75 इयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं हमारे। और अभी एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर हारमोनियम, वोकल एंड तबला, ये 3 सब्जेक्ट सिखाए जा रहे हैं, जिसमें से वोकल एंड हारमोनियम मैं ही सिखाती हूँ। हाँ जी, अरे वाह, सही है, तो अच्छा मूव है। मतलब अगर हम प्रिंसिपल एंड सभी मेंबर्स भी सीख रहे हैं तो ये एक जी रिलैक्सेशन है जो बहुत 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 जरूरी है आज के स्ट्रेस में। करेक्ट करेक्ट ये कोरोना के बारे में तो हम जानते ही है, और आजकल लेना बहुत ही मुश्किल है, तो ये बहुत ज्यादा म्यूजिक से बहुत ही रिलीव हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच करेक्ट फॉर दिस इनिशिएटिव ऑल्सो, एंड आई एम श्योर सो मेनी हु हैव जॉइंड विद अस हु वुड वांट टू लर्न अबाउट म्यूजिक, एंड वो जरूर आएंगे। और सुमया की रेपुटेशन ही इतनी है, अच्छी है बाहर, तो आई एम श्योर ये जो उसका जो फ्यूचर है वो उज्जवल ही है। या या थैंक यू थैंक यू। तो मैम थोड़ा एक और क्वेश्चन था, जैसे 3-4 साल के बच्चे हैं, उनको हाँ सीखना जी है, तो जी कैसे ये कैसे शुरू किया जाए? मतलब बच्चे लोगों को, ये बहुत सारे लोग के मन में होता है कि मेरे बच्चा ये अच्छा कर रहा है या कर रही है, पर अभी उसको सिखाने का कैसे, हाउ टू स्टार्ट, उसके या बारे में या थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो मेरा ये ओपिनियन है मेहुल कि आफ्टर 5 इयर्स ही बच्चे को सिखाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर समझ नहीं होने के कारण कई बार बच्चे वो छोटी एज में बच्चों का इंटरेस्ट निकल जाता है। तो इसलिए एक काम आप कर सकते हैं, 5 साल तक तो इंतजार करना है, और बच्चे को वो गाना आप सुनाइए जो आप पसंद करते हैं, जो आप उसे सिखाना चाहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि तानसेन बनने के लिए पहले तानसेन बनना बहुत जरूरी है। तो हाँ, एक्चुअली जो हम सुनाते हैं बच्चे को उसका इंटरेस्ट उसी साइड डेवलप हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अगर उसको म्यूजिक सिखाना चाहते हैं तो आप उसको म्यूजिक सुनाइए। लिसनिंग इज अ लर्निंग, तो मैं हमेशा कहती हूँ तो जितना सुनेंगे उतना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो 5 साल एक सर्टेन एज है, उसके पहले मैं नहीं आपको बोलूंगी कि आप सिखाइए, 5 साल के बाद प्रॉपर सीखेगी। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट आपकी बेटी के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, 5 साल तक वेट करूंगा, या फिर या आपके पास या आऊंगा या फिर से डेफिनेटली जरूर। करो। अच्छा, आप सभी कुछ गाते हैं, सेमी क्लासिकल, गजल, क्लासिकल, बॉलीवुड, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे आज? हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ, बीच में ब्रेक हुई थी। हाँ मेहुल, मैं एक सेमी हाँ, क्लासिकल ठुमरी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि हम क्लासिकल भी लें। हाँ, तो एक करेक्ट करेक्ट, गजल गजल बेस्ड ठुमरी है, बहुत खूबसूरत नगमा है, बहुत लोगों ने गाया है, पॉपुलर है, शायद आप सभी इंजॉय करेंगे। श्योर श्योर, जैसा आप बोले मैम। जी नजर ऊंची कर ली, नजर ऊंची कर ली तो दुआ बन गई, नजर नीची कर ली तो हया आ बन गई, और न
नजर तिरछी नजर तिरछी करनी तो अदा बन गई और नजर फेर ली और नजर फेर ली तो कजा आ बन गई तेरी कटीली इन दोनों झूठे दवा होने मारा इन दोनों झूठे दवा होने मारा तेरी कटी निगाह होने मारा बहुत ही बढ़िया। अभी मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत ही पसंद आया है ये। थैंक्स मेहुल, तो क्या बोलूं। हाँ, ये कॉम्पोजिशन है ही इतनी खूबसूरत कि बहुत लोगों के दिल के करीब है। करेक्ट करेक्ट। और एक एक ख्वाहिश, एक क्या बोल सकते हैं, एक फरमाइश चाहिए बॉलीवुड सॉन्ग की, पर हम ये बॉलीवुड सॉन्ग बाद में लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम कैसे, ये स्टाइल आपका जो सिखाने का स्टाइल है वो कैसे होता है, क्या है एग्जैक्टली? मेहुल, मैं आजकल यंगस्टर्स को क्लासिकल की तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। जब मैं 2015 में यहाँ अपॉइंट हुई थी तो मुझे यही लग रहा था कि इतनी बिजी लाइफ में कितने लोग टाइम निकाल पाएंगे म्यूजिक सीखने के लिए। तो लेकिन जब शुरू किया और एक मेरा ओन स्टाइल मैंने डेवलप किया कि क्लासिकल जब हम सिखाते हैं तो उसके बाद उस राग में बेस्ड बहुत से गीत हैं जिनसे हमारा बचपन से जुड़ा है। तो उस राग को सिखाने के बाद हम थोड़े से क्लासिक फिल्मी सॉन्ग बॉलीवुड को मैं जरूर डिस्कस करती हूँ। और जैसे ही मैं वो सॉन्ग लेती हूँ आप बिलीव नहीं करेंगे, सबके चेहरे खिल जाते हैं। क्योंकि वो जो गीत है, अभी जैसे यमन राग है, देखिए स्क्रीन पर ही चल रहा है, जब दीप जले आना। तो मैंने जैसे ही सिखाया कि नी रे ग रे नी द नी रे नी द सा अभी बंदिश तान आला पलटे सब सिखा दिए। उसके बाद अगर उनको थोड़ा सा बताया
कि जब दीप जले आना, जब शाम भले आना, या फिर अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा है, या बहुत फिर ही बढ़िया। हाँ वो जब याद आए, बहुत याद आए, या फिर निगाहें मिलाने को दिल चाहता है। तो इतने सॉन्ग्स हैं, और वो सॉन्ग आज उन्हें पता चलते हैं कि राग यमन है, इसलिए वो और ज्यादा खुश होते हैं, और उनका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि रियली मुझे कहते हैं कि हमारी टर्न कब आएगी मैडम, हम वेट करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स साथ जुड़े हुए हैं साथ में, लेकिन रियली उन लोगों का इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, मुझे लगता है इस वजह से कई लोग उसको शायद क्रिटिसाइज भी करेंगे कि मैडम आप क्लासिकल सिखाते हैं, लेकिन मुझे किसी भी तरह के म्यूजिक से कोई परहेज नहीं। तो हाँ, चाहे वो रॉक हो चाहे वो पॉप हो, हमें सभी परफॉर्म करते आना चाहिए। तो क्योंकि म्यूजिक म्यूजिक की कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं, सारी लैंग्वेजेस में मैं खुद भी गाती हूँ और सारे जॉनर पसंद है मुझे। तो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हम तरह तरह के उसमें जॉनर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसा है कि सिर्फ क्लासिकल तो आप बेस है, क्लासिकल तो सीखना ही है, बट आप तो ये सब भी एंजॉय करेंगे तो उसके थ्रू आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो जी, लास्ट में आपका आवाज थोड़ा, हाँ जी, हाँ जी, आपने ऑलरेडी बात कर चुकी है, आपने बहुत सारी बात की कि म्यूजिक की कोई जात नहीं है, या फिर आप लैंग्वेज में बार नहीं करते, कोई भी हो, रॉक हो, पॉप हो, जो भी है, आप एक्सेप्टेंस है करेक्ट आपके दिल में म्यूजिक के लिए, वो कोई भी तरीका के हो। तो मैं ये बहुत ही करेक्ट जानना चाहते हैं हम लोग कि आपने कोई नया एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर किया ही रहेगा 100%, कुछ हाँ नया आप एक्सपीरियंस तो हाँ करते रहते हो, तो एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ उसमें से आप बताना चाहते हो हाँ, एक मैंने तो नहीं, मैं हूँ, लेकिन मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर ने जरूर एक अच्छा बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है फॉर यंगस्टर्स, कि उन्होंने क्लासिकल बंदिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो अच्छा क्लासिकल यस म्यूजिक सर। में ये एक्सपेरिमेंट बहुत नया है और कई लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये जो आजकल के बच्चे हैं उनको इंग्लिश गाने ज्यादा पसंद होते हैं। तो एक हमीर राग है जिसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगी, सेम बंदिश उसको सेम मीनिंग को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। श्योर, लुकिंग फॉरवर्ड। आवाज आ रही है मेनू? यस, यू वेरी क्लियर। अभी देखिएगा, बंदिश के शब्द हैं, डीट लंगरवा कैसे घर, डीट लंगरवा कैसे घर जा, सुन पावे मोरी सास नलदिया, सुन पावे मोरी सास नलदिया, छांड दे घर। अभी देखिए ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, ओ नॉटी कृष्णा टेल मी हाउ आई शैल, ओ नॉटी कृष्णा टेल मी हाउ आई शैल गो,
When my in-laws hear all this, they will keep me out of home. When my in-laws hear all this, they will keep me out of home. How I shall, oh naughty Krishna, tell me how I shall. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने. हाँ, इतनी नहीं एक्चुअली ये खूबसूरती से डिफिकल्ट है. आपने प्रेजेंट किया है इसको और बहुत ही या सहजता से. थैंक यू मैम. आई डोंट थिंक सो इट इज इजी. इट लुक्स लाइक इजी बट आई डोंट थिंक सो. या और ये स्पेशली फॉरेनर्स जो फॉरेन डेलीगेट्स जो अपने सोमया में आते हैं, एक दो बार ये मैंने उनके सामने भी प्रेजेंट किया है, तो उन्हें बहुत बहुत ही पसंद आया क्योंकि वो एक ही चीज ऐसी है जो उन्हें समझ में आती है. तो क्योंकि क्लासिकल बहुत पसंद करते हैं बट लिरिक्स नहीं समझ में आते हैं. अभी डीट लंगरवा कैसे जाऊं, ये आजकल के हमारे इंडिया के बच्चों को भी डीट लंगरवा का मीनिंग नहीं पता है ना? तो ओ नॉटी कृष्णा बोला, ओ नॉटी कृष्णा, तो इजीली उनको मीनिंग क्लियर हो जाता है. तो मुझे लगता है कुछ नया प्रयोग है, तो कई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है. एक्सपेरिमेंटल करके ले सकते हैं. या इट वाज रियली आउट ऑफ माय माइंड. बहुत ही बढ़िया था अंग्रेजी वर्जन, क्योंकि हिंदी में सच बोलूं तो मुझे भी नहीं समझ में आया. नहीं आता, नहीं आता एक्चुअली. बंदिशें, पुरानी बंदिशें जो है मेहुल, उनकी लिरिक्स ऐसे हैं कि आजकल बच्चों को नहीं समझ में आता है उनका मीनिंग. तो इसलिए पहले उनका मीनिंग समझाते हैं हम टीचिंग के पहले, ताकि वो सोलफुल गा सके उसको. क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन आना बहुत जरूरी है. जब तक एक्सप्रेशन नहीं आएगा गाने का मीनिंग है ना. तो अभी जो एक फरमाइश थी वो हम ले लेते हैं. मतलब फिल्मी कुछ आपकी गाने की इच्छा है फिल्मी प्रेजेंट करने की? चलेगा चलेगा, आप जो जो बोलेंगे आप, क्योंकि मैंने तो आपको बताया मैं सब गाती हूँ. तो ये आज की लास्ट आपकी प्रेजेंटेशन रहेगी, एक फिल्मी कुछ हो जाए छोटा सा. ओके बिफोर वी एंड अप इट इज फरमाइश थी ऑडियंस से भी. जी जी जी. और मेरी इच्छा है, मेहुल मेरी इच्छा है, मैं आपको पहले गुजराती गजल भी थोड़ा सा दो लाइन सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे 90% स्टूडेंट्स गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. तो काफी लोगों की फरमाइश थी, उसके बाद जरूर मैं आपका ये बॉलीवुड वाला चॉइस जो है वो जरूर हम लेंगे. तो एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, आप भी ऑथर हैं, मुझे लगता है आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत ही मीनिंगफुल गजल है. श्योर श्योर. जैसा राग दरबारी कानेड़ा बेस्ड गजल है. राग ही ऐसा है जो हमारे दिलो दिमाग पर खा जाता है. प्रणय निघेलता या प्रणय निघेलता या दिरते मिलन निपुणता तमे मुख फेर भी तमे मुख फेर भी पाछू न जोयो दुभाए हरदम
हरदम तने याद करूं है दशामले, हरदम तने याद करूं है दशामले, है वो दर्द ना आपके, है वो दर्द ना आपके, ये दवा मले, हरदम तने याद, हरदम तने याद, सौंपी दो खुदाई बदली लेना आत्मा, खुदाई बदली लेना आत्मा खुदाई बदलिए ना आत्मा, दुनिया भूल थी जो कोई बाबा मले, दुनिया भूल थी जो कोई बाबा मले, है वो दर्द ना आपके, जैनी दवा मले, हरदम तने याद, हरदम तने याद, हरदम तने याद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे कमेंट्स है। सो स्वीट म्यूजिक थोड़ा पढ़ रहा हूँ मैं। जी, क्या बात, सुपर्ब। देन मैम सो सो नाइस, शब्द नहीं है मेरे पास, कमेंट है, लव यू। बहुत ही सही है, बहुत ही सराहा है लोगों ने और अप्रिशिएट किया है, और मैं भी करता हूँ। ये लॉन्गिंग का सॉन्ग लगता है मुझे, एंड राधा से मैं कनेक्ट करता हूँ, मतलब ये मेरी पर्सनल कनेक्शन है सुनने के बाद। तो मैं पहली बार सुना है मैंने, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये परफेक्टली राधा पे जा रहा है ये गाना। हाँ जी हाँ, आप ज्यादा समझ पाएंगे, मैं नॉन गुजराती हूँ तो मैं तो ऐसा मुझे लगा जो, नहीं हमें तो हाँ मुझे जो अच्छा लगता है मुझे जो अच्छा लगता है मैं जरूर गाती हूँ, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रख लेती हूँ बस बार बार सुन के, ताकि प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा ब्रेक हो गया मैम लास्ट में, क्या बता रहे थे, हाँ हाँ सॉरी। अभी अभी हम लास्ट लेंगे। मेहुल सबसे पहले मैं हाँ, सबको शुक्रिया अदा कर दूं कि बहुत बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और थैंक यू सो मच आप लोगों के। आज मोबाइल थोड़ा सा मेरे से डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैसेजेस की तरफ, लेकिन अभी जैसे मेहुल ने बताया तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और एक लास्ट गाना
हम ले रहे हैं आज के शो का। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग बॉलीवुड का जब वी मेट फिल्म से। मेहुल आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, कैन यू हियर मी मेहुल? हेलो, ओके ओके, ऑडियंस को सुनाई दे रहा है, मैं शुरू कर। आओगे जब, आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। नैना तेरे कचरारे हैं, नैनो पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की नई मध्यम जाने कुछ कहे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। चंदा कोटा को रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिल मिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिले, बनी सारे गा सारे पापा मामा गा गा सानी, नीरे गारे नीदा नीरे नीदा वादा नीदा नीरे आमा गा गामा धनी सानी पामा गा देना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। मेहुल आपकी बिल्कुल आवाज सुन नहीं पा रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आपकी आवाज या मेहुल आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं अपनी ओर से मैं आपके ब्रूइंग बातें के लिए कुछ कहना चाहूंगी। आपका ये जो प्लेटफॉर्म है जो आप कर रहे हैं, बहुत ही मुझे लगता है बहुत अच्छा है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सी अवेयरनेस लोगों तक पहुंच रही है। जैसे अभी सोमया में ये म्यूजिक का इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है,
तो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो ये चीज मुझे लगता है बहुत इंस्पायर करने वाली है कि इतना, इवन टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है वहां पर भी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जा रहा है। तो समीर भाई को बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ मैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया है, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये बहुत लोगों को पता चलेगा, जिससे और लोग भी इसके प्रति प्रभावित होंगे, शुरू करेंगे।